हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के बाद पीटी का भी डेट आ चुका है। अभी तक रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट से बहुत स्टूडेंट अभी नाखुश है या संतुष्ट नहीं है कह सकते हैं, तो और उसी के बीच में पीटी का डेट भी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आपका डेट 27 मार्च से शुरू होगा जो बताया जा रहा है, और अलग अलग बैच में लिया जाएगा। जो तो पीटी की तैयारी अगर चालू नहीं किए हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी शो कर रहा है तो पीटी की तैयारी चालू कर दे। हो सकता है कि रिजल्ट में अगर थोड़ा मोड़ी चेंजिंग करे तब पर भी आपका नाम उसमें नोटिस मतलब लिस्ट में रहे। तो चलिए आपको नोटिस दिखाते हैं हम कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो सेंट्रल रेल है, जहाँ यहाँ पर भी आइएगा तो फर्स्ट लिंक ही आपका पीटी का मिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके बताते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ डाउनलोड होने के बाद आपका पीटी एक्सपेक्टेड स्टार्टेड 27 मार्च से बताया जा रहा है, उसका चालू होगा। और एक्सपेक्टेड डेट एंड टाइम जो बताया जाएगा, आपका कॉल लेटर आएगा उसमें मेंशन बताया जाएगा। तो आपका यहाँ पर बताया जा रहा है सेंट्रल रेल द्वारा। तो आपका देखिए, आपका क्या क्या है, 35 केजी मेल कैंडिडेट को लेकर दौड़ने हैं 100 मीटर 2 मिनट में, और 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में, और वही फीमेल कैंडिडेट के 20 केजी 2 मिनट में, और 1000 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इसका डिटेल्स जानते हो तो आपको पीटी के दे मेरा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर रेल से रिजल्ट से आप लोग भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट करके बताइए कितने नंबर आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आता है तो हम आपको फिर से मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि मतलब रिजल्ट से लेकर मैंने वीडियो बनाऊँ, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़ी धांधली हुई है। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी अगर नहीं जिनका हुआ है उनका कम से कम सही तो हो जाए। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।